ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती एग्जाम को लेकर सरकार सहित पुलिस और एसटीएफ ने ताबड़तोड़ तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस इस बार किसी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यकीन न आए तो एक बार कानपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। दावों की माने तो एग्जाम से पहले पुलिस ने एग्जामिनेशन सेंटर को करीब करीब सील कर दिया है। इतना ही नहीं, इलाके के फोटोकॉपी वाले दुकानदारों को भी साफ साफ कह दिया है कि एग्जाम के दिन अपनी दुकानों को बंद रखें। भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार पुलिस किस तरह, कानपुर पुलिस किस तरह सतर्कता बरत रही है? आगामी 23, 24, 25 एवं 30, 31 को पुलिस भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, उसी की आज यहां पर मॉक ड्रिल संपन्न कराई गई है। इस मॉक ड्रिल में यहां पर सभी प्रकार के पुलिसकर्मी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सभी टीचर्स एवं प्रिंसिपल, सभी लोग यहां पर मौजूद थे। उनको बाकायदा ब्रीफिंग करके सारे उनके डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, और साथ में जो इस परीक्षा केंद्र के आसपास के कंप्यूटर्स की दुकानें हैं, फोटोकॉपी की दुकानें हैं, उन सबको भी चेतावनी दी गई है कि वो परीक्षा के दिन किसी प्रकार की ओपन नहीं होंगी। बता दें कि दावा यहां तक किया जा रहा है कि हर परीक्षा केंद्र पर सिर्फ आधा स्टाफ उसी सेंटर का और आधा स्टाफ दूसरे स्कूल या कॉलेज का होगा। परीक्षा केंद्र तक सेंटर मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट की बेसिक पेपर पहुंचाएंगे। एग्जाम सेंटर पर स्टाफ के साथ साथ पुलिस भी तैनात रहेगी। कैंडिडेट्स के फोटो को AI से क्रॉस चेक कराया जाएगा। ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ने के लिए भी अलग से चेकिंग की जाएगी। यही नहीं, पुराने फोटो को आधार की फोटो से मिलाया जाएगा, ताकि कोई ये ना कहे कि आधार पर छपी तस्वीर पुरानी है। जितनी भी CCTV लगाए जाएंगे, उसकी लाइव मॉनिटरिंग अधिकारी अपने फोन पर ही देख पाएंगे। पुरानी परीक्षाओं में जिन कैंडिडेट्स को या पिछले 12 साल में जितने भी सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है, उन पर भी पुलिस की नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश में पिछली बार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की STF और जांच एजेंसियों ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, उसके बाद कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन की जांचें चल रही हैं। इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा होने जा रही है। 23, 24, 25 से ये परीक्षा शुरू होगी। उसके लिए कानपुर पुलिस ने पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दी है। हालांकि ये रिहर्सल पूरे प्रदेश में है, जहाँ जहाँ परीक्षा होनी है। तो इसलिए देखिए, ये कानपुर का JNK कॉलेज, इंटर कॉलेज है, जहाँ पर इस पुलिस भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है 23 अगस्त से, उसके लिए पुलिस आज उसकी रिहर्सल है और यहाँ पे पुलिस लगाई गई है। एक बात और है इस बार कि इस बार स्थानीय थाने की पुलिस, जिस थाने में वो सेंटर है, उस पुलिस को नहीं लगाया गया है, दूसरे थाने की पुलिस इस सेंटर में लगाई गई है। पुलिस तैयारी है, स्कूल खुले हुए हैं क्योंकि आज छात्र आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी तैयारी कर रही है कि किसी भी तरह से होने वाली परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, कोई भी शरारती तत्व परीक्षा को भंग न कराए, उसकी गोपनीयता में असर न डाल पाए, इसलिए खास व्यवस्था की गई है। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि कानपुर के जितने भी सेंटर हैं, वहाँ पर पहले से हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। पिछली बार भी कानपुर में कोई खास परीक्षा सेंटर से नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ से पकड़े जरूर गए थे। इस बार इस तरह की कोई भी गुंजाइश पुलिस छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए सभी सेंटरों में आज एक रिहर्सल की जा रही है। उम्मीद है इस बार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा होगी, पूरी तरह से पारदर्शी और बगैर किसी विघ्न के संपन्न होगी। रंजय सिंह, UP तक कानपुर। यूपी तक के लिए कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट।